हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 8:40 और मैं निकल रहा हूँ स्कूल के लिए। आज है स्कूल ने पीटीएम और छोटा मोटा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन। सो चलते हैं स्कूल। और आज मुझे ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, लेट हो गया थोड़ा सा। सो जल्दी से चलते हैं स्कूल, फिर स्कूल से आने के बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। और अगर स्कूल के क्लिप्स थोड़े बहुत मिलते हैं तो दिखा देंगे आपको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज, स्कूल में किया गया है आज ये सेटअप और यहाँ पे रखा गया है ये कुछ प्रॉप्स ताकि बच्चे से फोटोज़ वगैरह क्लिक करें। ये कल वाला मास्क जो मैंने बनाया था, रात को देखा होगा आपने। और यहाँ पे रखा है कोडियम स्कूल का। और ये रहा पूरा बैलून्स वगैरह और ये बैकग्राउंड जो कल हमने डेकोरेट किया था, क्लास ब्लॉग में हमने देखा होगा। सो ये पूरा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स रहता है पेरेंट्स का। फोन लाए सर, लो फोटोज़ वगैरह ले सकते हो आप। कोई बात नहीं, मैं खेल। I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn down. You know these flames. सो गाइस, मैं अभी एक शूज़ और ख़रीद के ले आया। ये ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो जैसा भी है। उस दिन लास्ट टाइम हमने एक शूज़ ख़रीदा था ना ब्लू कलर का, ये स्काई ब्लू, ये इतना घटिया शूज़ है, इतना मतलब चीप क्वालिटी का है ये कि ये पहन के ना पैरों की बैंड बच जा रही है मेरे उंगलियों की। सो अभी ये सॉफ्ट था तो मैं ये ले आया, तो अभी यही पहनते हैं और वापस चलते हैं स्कूल। एंड आज लंच में है दाल चावल। सो गाइस, टाइम हो चुका है इवनिंग के 5 o'clock और फिलहाल दो बच्चे पहुँचे हैं और इस मास्टर से मिलिए। ये महाशय 4 बजे आके बैठ गई यहाँ पे, तो घर से निकाला था ना, सच बताना। नहीं, सच बताना। नहीं, तो सुन के टाइम बेसिकली 5 o'clock है और ये जो लड़की है इसका नाम है नैन्सी और ये कल इसने ज्वाइन किया है, तो शायद एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी आ गई एक घंटे पहले ही, बट ये रॉन्ग है तो मैंने उसको बोल दिया है कि कल से टाइम पे आए। बाकी रियाज को तो आप जानते ही हो। बाकी यहाँ पे वेट कर रहे बाकी बच्चों का। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 5 o'clock कम्प्लीट हो चुके हैं, तो जैसे बच्चे आते हैं वैसे हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे क्लास के बाद। देखो गाइस, न्यू टेक्नोलॉजी वाला वाटर बोतल जिसमें यहाँ पे टच करने पे टेम्परेचर बताता है, ये देखिए गाइस 55 डिग्री सेल्सियस। अभी इसके नहीं 22, उसे 55 लग रहा है। सो ये एक्चुअली 22 है बट उसे 55 लग रहा है, तो इसमें इसके अंदर जो ये वाटर है वो 22 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। सो गाइस, फिलहाल आया हूँ मैं मार्केट सब्जी लेने के लिए और आज सैटरडे है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बाइक को मैंने वहीं पे पार्क कर दी और अब जा रहे हैं हम आगे पैदल पुपिया गली। अबे यहाँ तो सामने दुकान है भाई, तो क्या लेके आ रहे हैं? एक्स्ट्रा किलो जाओ, 20 किलो ताजा किलो, 30 किलो सब्जी लेने आए थे। 20 किलो फूलगोभी का तो 130 किलो। अरे 20 टका लगाओ ना, 20 टका दी दो, छोटा मोटा दी दो, दिख लो। अरे 1 किलो कुछ दाओ। ओ कर दिया कर दिया कर दिया, गोभी के बाद 1 किलो 30 के 10 का पाव, 10 का कितना है? 10 का 50 ग्राम
बड़ा कम दे रहे हो यार। चलो दे दो 100 ग्राम दे दो। टोपी मोजा मैंने तो बेचा नहीं भाई तेरे को। लेकिन इस टाइप का पैंट ये यहाँ पे अभी पैकअप चल रहा है, पैकअप 100 रुपए जोड़े नहीं अभी 350-400 रुपए का मिलेगा जूता। कैसे लेके जाएंगे ये छोटो छोटो पन्नी को, एक बड़ा सा कट्टा। जब तेरे को पता था कि छोटा छोटा बहुत सारा पन्नी वैसे बैग को तो करे एडे वाटिका तो वही दा वट्टा पन्नी में फिर जाते हैं आगे हमारा करे नहीं आज के बेचे ही किसे ना हाय देखा पन्नी दिखा कितने सारे हैं डाल डाल वो अब सही है ना। सो गाइस टाइम हो गया है 7:48 और मैं क्लास के बाद सीधा गया था मार्केट, कुछ मतलब था नहीं बनाने को तो जल्दी से कुछ लेके आए हैं। और जब भी मैं मार्केट जाता हूँ ना तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, आलू प्याज मिर्च अदरक और खीरा ये चीज़ें ऐसी है कि मैं नॉन स्टॉप खरीद लेता हूँ, फिर उसके बाद मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि अब क्या ख़रीदना है। मतलब मुझे कोई वेजिटेबल पसंद नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ख़रीदना क्या है। और आज मैंने करीब 300-400 रुपये का मार्केटिंग किया होगा जिसमें से सिर्फ मैंने सब्जी में लिया है फूल गोभी और बाकी अधिकतर चीज़ें मैंने लिया है खाने पीने की, जैसे कि खीरा जो मतलब बनता नहीं है, उसके बाद सिंगाड़ा खाने के लिए, पापड़, उसके बाद एक मीठा एक चीज़ और ले लिया। मतलब 250 का खाली खाने की चीज़ें जो सब्जी है, इसलिए मम्मी हमेशा गुस्सा करती है और मुझे मार्केट भी नहीं भेजती है, बोलते मैं जाऊँगी लेकिन मम्मी थक जाती है ना तो मुझे जाना पड़ता है। फिर अब मेरा दिमाग काम नहीं करता मुझे कौन सा सब्जी लेना है तो मजबूरी में मुझे वही करना पड़ता है, आलू प्याज खीरा अदरक नींबू और मिर्च ये हमेशा लाना ही लाना है, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं लाना। सो गाइस फिलहाल करूँगा मैं कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1 घंटे का टाइम है। अगर 9 बजे ब्लॉग नहीं आया फिर आप लोग मुझे मारोगे कि 8 बजे बोला फिर 9 बजे बोला 9 बजे ब्लॉग नहीं आ रहा, तो फिर जल्दी से मैं करता हूँ ब्लॉग की एडिटिंग और लगाता हूँ उसको अपलोडिंग पे। आई होप 9 बजे तक ब्लॉग आ जाएगा, तो मिलता हूँ आपको ब्लॉग अपलोड करने के बाद। ये देखो गाइस खाली खाने खाने का कितना आइटम है, पापड़ हो गया, ये पता नहीं क्या है मीठा मीठा सा, ये सिंगाड़ा हो गया और खीरा वगैरह भी है ऊपर। सो गाइस टाइम हो गया है 7:35 और मैंने ब्लॉग एडिट करके अपलोडिंग में लगा दिया है, होपफुली 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ये ब्लॉग को अपलोड में लगाने के बाद जो सुकून मिलता है ना गाइस, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है आजकल, ऐसा हो रखा है बिल्कुल, इतनी हड़बड़ी में काम करना पड़ रहा है। और फिलहाल चल रहा है यहाँ पे ये वाला काम, जो सिस्टर वहाँ पे ये फ्लावर्स वगैरह लगा रही है, मैं भी वही फॉर्म कटिंग का काम करूँगा। और अभी हमने किया था ये सिंगारा पार्टी जिसका मलबा ये बचा हुआ है, सो देखते हैं अभी कब तक काम कर सकते हैं। आई होपफुली वही 8:30-9 बजे तक काम करेंगे, फिर डिनर वगैरह करके सोना है। सो कल संडे है, कल छुट्टी है, कल प्लान है थोड़ा उत्तरपुर जाने का, कुछ ऑर्डर वगैरह है वहाँ से कंफर्मेशन करना है, पैसे वगैरह लेने हैं उनसे, जगह वगैरह देखना है, उनको दिखाना है। सो कल का कल देखते हैं, आज देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो गाइस टाइम हो गया है 9:24 और मैं नॉन स्टॉप वर्क कर रहा था, ब्लॉग आज 9 बजे से थोड़ा सा लेट आया था, आई थिंक मैंने देखा नहीं, आई थिंक 9:05 या 9:10 पे आया होगा। एंड यहाँ पे चल रहा था फिलहाल काम, अभी हमने ये किया दिखाता हूँ आपको। सो मैंने अभी 2 स्टेप के कटिंग किए हैं और कुछ ये कटिंग करके रखा है, अभी इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मतलब जोड़ के चीज़ बनाऊँगा, फिर बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या बनेगा। और सिस्टर लोग ये कर रहे थे ऐसे ओपन फ्लावर्स को, इस तरीके के लाइंस बना रहे हैं फ्लावर्स के, ये फिर हम स्टेज मंडप में इस तरीके का यूज़ करेंगे। और ये पूरा कट्टा भरा हुआ है, सारा बनेगा, कुछ लोग आए थे, चेयर्स वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। सो फिलहाल बुलावा आ गया है डिनर के लिए और मैं आज पनीर लाया था, ब्लॉग एडिट करने के लिए लेट हो रहा था ना तो फिर मैं ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं ये परचेसिंग का, तो फिर पनीर बना है आज, तो फिर चलते हैं और लेते हैं फिर हम पनीर के मज़े। बात बड़ी सो खाना दे रहे लगू लगू लगा सोते फूल गोभी 30 रुपया किलो, खीरा 40 रुपया किलो। One look, the heat is rising, and I've
been cold for so long. One touch. सो गाइस टाइम हो गया है 9:52 और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड अभी बॉडी में उतनी एनर्जी बची नहीं कि मैं कुछ और करूं, तो फिलहाल मैं सो जाऊंगा और इस ब्लॉग को मैं करता हूं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।